चलिए, वेरी वेरी विंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मजे में हैं। मुकेश कुमार चौधरी, सनोज बाबू, अरविंद कुमार दुबे, बंटी, सब लोग ठीक हैं? तो मजा आया होगा कल बीपीएससी का क्वेश्चन देखकर। बहुत लोग कह रहे थे सर बीपीएससी का एग्जामिनेशन तक हिस्ट्री कवर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो हमने हिस्ट्री को उस मुकाम तक ले गया था जिसमें जो गुड्डू लाल जी, चलिए बहुत अच्छा बात। तो हिस्ट्री भी बहुत शानदार लाजवाब आप लोग का रहा है, जो बिहार दरोगा के पीटी में पढ़े होंगे या मुख्य परीक्षा में पढ़े होंगे या जीएस मैराथन ही पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, हिस्ट्री से सब क्वेश्चन निकला था। आइए अब आगे को बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा था सूफी भक्ति, हमने कहा था संत भक्ति हो गई थी। अब गुड्डू लाल जी पूरा का पूरा रिवीजन आप लोग भी कर सकते हैं, रिवीजन भी करेंगे। संत भक्ति के बाद सूफी भक्ति, संत भक्ति में हमने कहा था गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म, उसके बाद क्या क्या था भाई, कबीरदास, रायदास, सेना, धन्ना, साधना, ये सब निम्न जाति से संबंधित थे, निम्न जाति से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछेगा कि ध्यान सुनेगा, कबीरदास जी किस जाति से जुल्हा, रैदास मोची, सदना कसाई, धन्ना जाट, नानक बैस। रैदास कबीर के समकालीन थे, रामानंद के शिष्य थे। रैदास ने कहा था मानव सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। रैदास के कुछ भक्ति ने भक्ति गीतों का संकलन पांचवें सिख गुरु गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव ने किया था। कबीर के शिष्य दादू प्रमुख थे, कबीर के शिष्यों में दादू प्रमुख थे जो ब्राह्मण जाति से थे, और उन्होंने क्या किया भाई, पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया। दादू पंथियों का केंद्र बिंदु नारायणा राजस्थान में है। सिख धर्म के बारे में सब कुछ बता दिए थे कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु की परंपरा रही, सिख धर्म में कुल 10 गुरु की परंपरा रही। देख भैया, एनटीपीसी का मेरे पास फर्स्ट सीटिंग का टोटल लीक के बाबू कहीं से अवेलेबल क्वेश्चन करवाया है, तो बहुत उम्दा प्रकार का क्वेश्चन, अभी फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन जिसमें परमाणु की खोज किसके द्वारा किया गया, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या था, लेमन का पीएच मान क्या था, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सब शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी कौन था क्वेश्चन आया था, रेशम का उत्पादन सेरिकल्चर में, पदार्थ मापने की इकाई मोर पीसी कल्चर भी था, फीस उत्पादन, ऑक्सीजन किससे लेता है, एस्टोमाटा से, बंगाल विभाजन 1905, भारत का पहला नेशनल पार्क सूरत किस नदी के किनारे, इंडोनेशिया की राजधानी, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष कल बीपीएससी में भी था, निर्वाचन आयोग चंद्रयान, पृथ्वी दिवस, राजतरंग के लेखक, और पृथ्वी पर यदि वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर ले जाएंगे तो 10 किलोग्राम हो जाएगा, यदि किलोग्राम रहता तो कोई बात नहीं, किलोग्राम तो 10 नहीं हो सकता है, किलोग्राम तो किलोग्राम ही रहेगा, 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 60 किलोग्राम रहेगा, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 60 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि किलोग्राम कभी भी बदलता नहीं है, न्यूटन बदलता है, किलोग्राम कभी नहीं बदलता है, क्या बदलता है, न्यूटन बदलता है। तो अच्छा, महिला दिवस से क्वेश्चन आया था, पृथ्वी दिवस से क्वेश्चन आया था, और उम्दा प्रकार का बहुत अच्छा लगा, सुकन्या योजना से था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बी मिस्टेक से, वंदे भारत योजना, गोभी मरुस्थल, प्रार्थना समाज के संस्थापक, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश ब्रेन सेल को क्या कहते हैं, रामसर साइट था, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या, इन्वायरमेंटल एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सबरीमाला मंदिर जो धनवान है, चले वेब साउंड के बारे में दिया था, सिल्वर सेवन सिस्टर से क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रक था, कुडुन कनाल परियोजना, नॉर्थ
अमेरिका की कौन सी कंट्री है और आर्टिकल 32 है। कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन में बार बार कहते 40 क्वेश्चन आप देखेंगे जो आप लोग का भूत जो चढ़ा रहता है, और बार बार कहते कुछ मास्टरों भूत चढ़े ले रहता है कि तू साइंस पढ़ो भाई, साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में साइंस से 8 क्वेश्चन, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन और शेष क्वेश्चन हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, विविध वाला टॉपिक स्टैटिक जीके जीएस से, करेंट से, तो आप सबको पकड़ेंगे। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं, आप सबको पकड़ेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ रीजनिंग, तब जाकर एनटीपीसी का एग्जाम आएगा। हिस्ट्री में गुरुजी 38 में 35 क्वेश्चन बताए थे, बहुत अच्छी बात है, 38 में 35 क्वेश्चन बताया हुआ है, अब क्या चाहिए। हाँ, आज हम कोशिश करेंगे, कि आपको कभी भी फर्स्ट सेकेंड सीटिंग का जब तक नहीं आएगा, सेकेंड सीटिंग का आएगा तो दोनों को मर्ज करते उसका डिस्कशन यूट्यूब चैनल पे लेके आप आइए। सिख धर्म क्लियर था, 10 गुरु, 10 गुरु का नाम एक बार जोड़ लेते जल्दी में, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन और तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह। अब पर्यावरण अधिनियम आएगा, ध्यान सुनिएगा, पर्यावरण अधिनियम से क्वेश्चन आया ही था, कई बार यूट्यूब चैनल पर भी बताए थे, आप लोग को बताए थे, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनेगा, छठा गुरु पांचवें गुरु से क्वेश्चन, एक बार जल्दी से लेते हैं, क्वेश्चन पूछेगा, पहला गुरु नानक, इन्होंने लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया, दूसरा गुरु लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, पंच प्यारे गुरुमुखी लिपि, तीसरा गुरु अमरदास, इन्होंने 22 गद्दी को स्थापना किया, प्रत्येक गद्दी का एक एक प्रधान बनाया। ये पारिवारिक जीवन में रहकर धर्म चलाने की बात कहा, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया, अकबर के साथ अच्छा संबंध था, चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया जिसके लिए जमीन दिया था अकबर के द्वारा 500 बीघा। आईसी में पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने क्या किया भाई, अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि स्वर्ण मंदिर का जो ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ण मंदिर का जो ऊपर वाला पोजीशन है सूरज बाबू, इंस्पेक्टर जी, सब इंस्पेक्टर सूरज बाबू, वो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जो शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, अर्जुन देव सिख धर्म का पहला गुरु थे जिसे फांसी दे दिया गया, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, क्यों, जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ दिया था। उसके बाद देखे छठे सिख गुरु हरगोविंद, जिन्होंने सच्चा बादशाह सीरी और मीरी दो तलवार लिखा था, अर्जुन देव सच्चा बादशाह और बादशाह हरगोविंद बादशाह, बाबू ध्यान से सुनिएगा, हरगोविंद बादशाह, हरगोविंद ने मोरी और पीरी दो तलवार रखते थे। बाबू का क्वेश्चन पूछेगा कि सिख धर्म के पहले गुरु जिन्होंने सिख धर्म को एक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया, कौन, हरगोविंद का संघर्ष हुआ था शाहजहां के साथ, किसके लिए भाई, एक शिकार के मुद्दे को लेकर, किसके लिए, एक शिकार के मुद्दे को लेकर, जिसमें हरगोविंद की हार हुई और वो भाग गए कश्मीर में। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया भाई, हरगोविंद, नगारा को राज के चिन्ह के रूप में प्रस्थापित किया, हरगोविंद के बाद हर राय और फिर हर किशन, हर राय हर किशन। क्वेश्चन पूछेगा, अब पूछ रहा रजनीश बाबू कि सर जी बादशाह की उपाधि कौन धारण किया है। भैया कल इतने अच्छे से तरीके से हम इतना अच्छा से बताए थे, पता नहीं आप लोग कैसे नहीं याद रखते हैं, यदि बादशाह आएगा अर्जुन देव
और तेग बहादुर। अब देखो अर्जुन देव की भी हत्या कर दिया गया जहांगीर के द्वारा, तेग बहादुर की भी हत्या कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। बादशाह आएगा, बादशाह में क्या आएगा भाई, हर गोविंद। बादशाह में क्या आएगा, हर गोविंद। बादशाह में क्या आएगा, हर गोविंद। अब क्वेश्चन मां पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो मजेदार तरीके से लीजिएगा। हमने कहा कि हर गोविंद सच्चा बादशाह, बादशाह हर गोविंद, बादशाह हर गोविंद, बादशाह अर्जुन देव और तेग बहादुर, क्लियर। अब देखो सातवां हर राय, आठवां हर किशन, नौवां तेग बहादुर और दसवां गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। अब चलते हैं जरा सा संत के बाद सूफी की चर्चा करते हैं, सुनिएगा चुपचाप। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द सफा से हुआ है, अरबी भाषा का शब्द सफा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अर्थ क्या होता है, पवित्र होता है। पहला सूफी संत मंसूर हल्लाज थे, जिन्होंने अपने आप को अनहलक की उपाधि धारण किया। अनहलक का अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला, मतलब कहा कि भैया हम ईश्वर से मिल लिए थे। जिस तरह से संत भक्ति में कर्म पर बल दिया गया, रवि रंजन जी चैट बॉक्स दिख रहा है, अब आपका चैट बॉक्स नहीं खुला तो हम क्या करें। संत में कहा गया कि कर्म ही पूजा है, जबकि सूफी में कहा गया प्रेम ही पूजा है। संत भक्ति में क्या कहा गया, कर्म ही पूजा है, और सूफी में कहा गया प्रेम ही पूजा है, मतलब प्रेम के बदौलत ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और पहला सूफी संत मंसूर हल्लाज थे, जिन्होंने अपने आप को अनहलक घोषित किया, ईश्वर से मिलने वाला घोषित किया था। अकबर के समय में अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी में 12 प्रकार के सूफी संप्रदाय की चर्चा किया। कितने प्रकार का, 14 प्रकार के सूफी संप्रदाय की चर्चा किया अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी में 14 प्रकार के सूफी संप्रदाय की चर्चा किया, जिसमें सबसे प्रमुख था चिश्ती संत। सबसे प्रमुख कौन था भाई, चिश्ती संत। भारत में चिश्ती संत, अविनाश बाबू, अजीत बाबू, रजनीश बिहारी, ध्यान से सुनना, भारत में सबसे प्रमुख रहा चिश्ती संत, और चिश्ती संत के संस्थापक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान 1191 में, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, 1192 में गौरी के साथ गौर प्रदेश से भारत आए, और भारत आकर यहीं पर अजमेर को अपना केंद्र बिंदु बनाया, अजमेर को अपना केंद्र बिंदु बनाए, और वहीं पर उनका दरगाह भी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा जहां या गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। बाबू देखो जल्दी से, मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय 1192 गौरी के साथ भारत आया, अपना केंद्र बिंदु अजमेर को बनाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में, जिन्हें ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। हो गया, कई बार बता चुके हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा था वो सिक्वेंस अलाउद्दीन खिलजी के काल में बताए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती का चेला था बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के चेला थे बाबा फरीद,
बाबा फरीद के चेला थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के चेला थे अमीर खुसरो और फिर अकबर के काल में शेख सलीम चिश्ती। हमने स्ट्रक्चर बनाया था, आशा और विश्वास से याद होगा, याद है मोइनुद्दीन चिश्ती का चेला कौन था भाई? बख्तियार काकी। इसका चेला कौन था? बाबा फरीद। इसके और चेला के अर्थ कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो बाबा फरीद का चेला था निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया ने एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी को कहा था मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, और जीएसटी को गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया का चेला था अमीर खुसरो, जो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल मिलाकर 8 दरबार में, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल मिलाकर 8 दरबार में, 8 सुल्तान के दरबार में रहते। हो गया, अब चलते हैं। या सब एपीजे बता दिए थे खुशबू भगत, बहुत अच्छी बात। 14 प्रकार का क्या था? सूफी सिलसिला, सूफी सिलसिला, सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिले, सूफी संप्रदाय। सूफी लोग जो जहां पर गुरु लोग रहते थे उसे खानकाह कहा गया, सूफी लोग जहां रहते थे उसे खानकाह कहा गया। सूफी में गुरु को पीर कहा गया, चेला को मुरीद कहा गया, गुरु को पीर कहा गया, चेला को मुरीद कहा गया। गुरु जहां रहते हैं वो क्या है? खानकाह। क्या है भाई? खानकाह कहा गया। हो गया, अब अच्छा देखो, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बख्तियार काकी, बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, इन्हीं के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद थे, जिनके वाणियों का संग्रह 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया था। बाबा फरीद का शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा? अलाउद्दीन खिलजी को कहा था मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, और गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुजूर अभी दिल्ली दूर है। इसका इनका बाबा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली के पास। अब देखो निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को भी कहा था हुजूर अभी दिल्ली दूर है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा था मेरे घर में 10 दरवाजे है। क्वेश्चन पूछेगा कि निजामुद्दीन औलिया का चेला था कौन? तो चेला था अमीर खुसरो, जो 8 दिल्ली सुल्तान के शासक को देखा था, शासक के दरबार में था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्य बता लिखाएंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तान को देखा था, लेकिन एक भी सुल्तान के राज दरबार को स्वीकार नहीं किया, तो 7। तो कहेंगे गुरुजी 7, गुरुजी 7, और चेला जी 8। गुरुजी 7 को देखा, चेला जी 8 को के दरबार में रहा। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली से कुछ दूर ग्यासपुर में। अब देखो निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि दिया गया। इनका एक शिष्य था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो कुल मिलाकर बता चुके थे उत्तर प्रदेश के एटा जिला के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के एटा जिला के निवासी थे। दूसरा बताए थे अमीर खुसरो तबला सितार कव्वाली के जनक, अमीर खुसरो नूह सिपर, तुगलकनामा, लैला मजनू इत्यादि पुस्तक की रचना किए थे। क्वेश्चन पूछेगा अकबर के काल में जो प्रमुख चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती, और उनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र का बेटा का प्राप्ति हुआ, जिसका नाम उन्हीं के प्रभाव में आकर शाहजादा सलीम रखे, बाद में वही जहांगीर के नाम से जाना गया।
हमने तीन क्वेश्चन यहां बताया, सूफी की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द सफा से हुआ है जिसका अर्थ होता पवित्र। सूफी लोग सूफी संत या गुरु को पीर कहा जाता है। सूफी में शिष्य को क्या कहेंगे? शिष्य को मुरीद कहा जाता है। और जहां गुरु लोग रहते हैं, गुरु का निवास स्थल को क्या कहेंगे? खानकाह कहा जाता है। खानकाह कहा जाता है, हो गया, खानकाह कहा जाता है। अब इतना क्लियर हो गया, हो गया। अब देखो, हमने कहा कि अकबर के काल में चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती थे, जिनके आशीर्वाद से क्या हुआ भाई? बेटा का जन्म हुआ, बेटा का नाम रखा शाहजादा सलीम। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। भारत में अब देखो पंचों को और याद रखेंगे, आठ मुगल बादशाह भी खुशबू क्या बोल रहे, आठ मुगल बादशाह भी तख्त ए तौस पर, हाँ अच्छा, तख्त ए तौस पर बैठा था, बहुत अच्छी बात है। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का बहाउद्दीन जकारिया, अब बहाउद्दीन जकारिया अपने आप को कट्टर धर्म से इस्लाम धर्म के अनुरूप नियम कानून बनाया। बहाउद्दीन जकारिया का कार्यक्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान का मुल्तान क्षेत्र था, और उसका दरगाह भी कहाँ है? मुल्तान में ही है। दरगाह भी कहाँ है? मुल्तान में ही है। तो बहाउद्दीन जकारिया याद रखें, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संत इस्लाम धर्म के अनुरूप नियम कानून बनाया। जकार कार्यक्षेत्र कहाँ है? मुल्तान। आ मुल्तान में ही खानकाह बनाया। खानकाह किसे कहेंगे? शिक्षा स्थल, खानकाह जहां रहते थे या शिक्षा स्थल। इसी ध्यान सुने, सुहरावर्दी संप्रदाय के ही एक शाखा था, कौन? बिहार में, बिहार के मनेर शरीफ में फिरदौसी संप्रदाय, बिहार के मनेर शरीफ में फिरदौसी संप्रदाय, और फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक शिहाबुद्दीन याहिया मनेरी, शिहाबुद्दीन याहिया मनेरी, इन्हीं के नाम पर मनेर का नाम पटना के पश्चिम में मनेर शरीफ है, जहां पर शेख याहिया सरहिंदी का मकबरा है। शिहाबुद्दीन याहिया मनेरी का क्या है भाई? मकबरा है। नक्शबंदी संप्रदाय के जनक कौन थे भाई? ख्वाजा बांकी बिल्ला। इसी का संत था शेख अहमद सरहिंदी, और शेख अहमद सरहिंदी के बारे में कहा जाता है कि वो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म जो 1582 में स्टार्ट किया गया था, उसका कड़ा विरोध किए थे। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को कैदखाना में डलवा दिया। भारत में कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई? अब्दुल कादरी। और इसी कादरी के संत थे मुल्ला दाऊद, जो शाहजहां के सबसे बड़े एवं योग पुत्र दारासिको के गुरु थे, दारासिको के गुरु थे। भारत में सत्तारी सिलसिला के संस्थापक अब्दुल सत्तार थे, और इसी सत्तारी सिलसिला का था मोहम्मद गौस, जो शेख मोहम्मद गौस हुमायूं के समकालीन थे। एक बार जल्दी से देखेंगे, एक बार जल्दी से देखेंगे भाई। हमने कहा 14 प्रकार के सूफी सिलसिले या सूफी संत की चर्चा है अबुल फजल में। सबसे प्रमुख था चिश्ती, भारत में शेख सलीम चिश्ती ने, जो 1192 ईस्वी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 1192 में गौरी के साथ आए, अजमेर में केंद्र बिंदु बनाए, इन्हें ग्वारा शेख गरीब नवाज के नाम से, ख्वाजा जहां के नाम से जाना जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का चेला थे बख्तियार काकी, जिनके स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखे, जिसे अल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। अल्तुतमिश के अतिरिक्त भी कुतुब मीनार का संबंध फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी से है। क्वेश्चन फिर पूछेगा, बख्तियार शेख बख्तियार काकी के एक और चेला थे
कौन भाई? बाबा फरीद, याद हुआ? अब बाबा फरीद के चेला थे मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं निजामुद्दीन औलिया। आ निजामुद्दीन औलिया सात को दिल्ली सल्तनत के शासक को देखा था लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया था। निजामुद्दीन औलिया ने जब बहुत ज्यादा जिद किया था अलाउद्दीन खिलजी मिलने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि भैया मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मैं नहीं मिलूंगा। गयासुद्दीन तुगलक ने जब निजामुद्दीन औलिया को कहा कि आप अपने हिसाब किताब लेकर आइए, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुजूर अभी दिल्ली दूर है। निजामुद्दीन औलिया का चेला था अमीर खुसरो, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिला के निवासी थे, अबुल फजल अकबर के समकालीन। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा जिला के निवासी, 8 सुल्तान के राज दरबार में थे, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हो गया। अकबर के काल में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां पर? निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। उसके बाद क्या हुआ भाई? सुहरावर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकारिया दरगाह कहां? मुल्तान में। इसी सुहरावर्दी संप्रदाय में कट्टर इस्लाम के अनुरूप नियम कानून बनाया गया और शिक्षा केंद्र खानका मुल्तान में बनाया। सियाबुद्दीन सियाहिया मनेरी ने बिहार में एक फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना की है। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बांकी बिल्ला और इसी नक्शबंदी संप्रदाय के थे शेख अहमद सरहिंदी, जो अकबर के द्वारा प्रारंभ किए गए दीन ए इलाही धर्म का विरोध किए थे। बाद में जहांगीर ने उसे कैद खाना में डलवा दिया। उसके बाद देखें भारत में कादरी संप्रदाय के अब्दुल कादिर आईसी कादरी संप्रदाय के मुल्ला शाह, जो दारा सिखों का गुरु था। सत्तारी सिलसिला अब्दुल सत्तार, जो इस सिलसिले का एक महत्वपूर्ण कौन था भाई? शेख मोहम्मद गौस, जो हुमायूं के समकालीन थे। हुमायूं के समकालीन गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाया था। हो गया। अब देखो सगुन भक्ति में चलते हैं। सगुन भक्ति में ध्यान से सुनिएगा, सगुन भक्ति में दो भक्ति आए थे, बताए थे, पहला राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक बने कौन? तुलसीदास। लुंटुन जी, राम भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक लक्ष्मीबाई विश्वजीत जी, सबसे बड़े प्रचारक तुलसीदास, जिन्होंने अवधि भाषा में राम चरित मानस की रचना किया। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना किया। रामचरितमानस तुलसीदास अवधि भाषा में। हो गया। तुलसीदास अवधि भाषा में। तो क्वेश्चन पूछेगा राम भक्ति आंदोलन बहुत कम लोग हिस्सा लिए, जिसका मुख्य कारण था राम भक्ति आंदोलन का गरिमा और महत्वाकांक्षा। राम भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े प्रचारक तुलसीदास जी थे। 1589 में इनका जन्म वाराणसी सरयू पाई ब्राह्मण परिवार में हुआ। वाराणसी सरयू पाई व्यापारी के घर में हुआ था। अब 1589 में जैसी बात है, अकबर का शासन काल चल रहा था, तो क्वेश्चन पूछेगा सूरदास सिकंदर लोदी के समकालीन और तुलसीदास अकबर के समकालीन। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी रत्नावली। बाबूजी का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी, पिता रत्नावली। माता पिता और पत्नी, पत्नी रत्नावली, माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे। हो गया। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी रत्नावली। हो गया। क्वेश्चन पूछेगा इन्होंने अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना किया, इसके अतिरिक्त और भी कई रचना बताए थे, विनय पत्रिका, वैराग्य, याद आया, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, संदीपनी, यह सब याद होगा आप लोग को। बहुत अच्छा, यह सब बना हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछेगा अकबर के समकालीन थे लेकिन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं हुए, इनकी प्रमुख रचना में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल।
राम भक्त एकाने और संत थे कौन? केशव दास। आ केशव दास ने वाल्मीकि रामायण पर एक रचना रामचंद्रिका लिखे थे। महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में रामायण लिखे थे तो महर्षि वाल्मीकि रामायण पर एक टिप्पणी के रूप में रामचंद्रिका लिखे थे। तो दो ही याद रखिएगा, केशव दास और तुलसीदास। कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। कृष्ण भक्ति का सबसे बड़े प्रचारक कौन थे भाई? सबसे बड़े प्रचारक सूरदास। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा सूरदास थे कौन? तो संत वल्लभाचार्य, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना किए, पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किए, जिन्होंने शुद्धा द्वैतवाद दिए, जिन्होंने शुद्धा द्वैतवाद। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ कृष्ण भक्ति, इन्होंने अपनी ओर सभी धर्मों के लोगों, जाति के धर्म और जाति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि प्रेम पर बल दिया गया था। कृष्ण और राधा के बीच प्रेम पर बल दिया गया। कृष्ण भक्ति आंदोलन का पहला प्रमुख प्रचारक संत वल्लभाचार्य हुए, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया और पुष्टि मार्ग, जिसे ही कहते हैं रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। विक्की कुमार जी ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चन पूछेगा, तुलसीदास का जन्म 1589 में, तुलसीदास के बाबूजी का नाम आत्माराम, माताजी का नाम हुलसी और पत्नी जी का नाम रत्नावली। उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में वाराणसी, तेलुगु ब्राह्मण थे और गार्हस्थ आश्रम में ही रहकर, एक क्वेश्चन तुलसीदास की रचना एक बार फिर से, अच्छा तुलसीदास की रचना से क्वेश्चन आया था आज, चलिए बहुत अच्छी बात है। यह सब तो हीमोग्लोबिन बना होगा भाई। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कविता वाली, गीता वाली, दोहा वाली, हो गया याद हुआ बाबू? चले सलोनी गुप्ता बाबू, देखो बखते जाइएगा, जब समाप्त होगा पता चल जाएगा। 1479 में वाराणसी में तेलुगु ब्राह्मण थे, घर में रहकर ही, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भक्ति आंदोलन को प्रचार किया। इन्होंने ये और इनके पुत्र कौन भाई? विट्ठल स्वामी, वल्लभाचार्य एवं इनके पुत्र विट्ठल स्वामी ने 8 संतों को शिक्षा दिया, जिसे अष्टछाप कहा गया। अष्टछाप में सबसे प्रमुख थे सूरदास, अष्टछाप में सबसे प्रमुख सूरदास। और सूरदास की सबसे प्रमुख रचना क्या है? सूर सागर। सूरदास सूर सागर ब्रज भाषा में लिखे थे। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार कौन किए? एकनाथ नामदेव और तुकाराम। एकनाथ नामदेव, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर। तैयार सिक्वेंसली जाएंगे, नाम एक, नाम संत एक, तुकाराम, नाम संत एक, तुकाराम। आगे चर्चा करेंगे। संत ज्ञानेश्वर भागवत गीता का मराठी अनुवाद ज्ञानेश्वरी के नाम से किया था। गुजरात के क्षेत्र में नरसिंह मेहता ने कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार किया और गुजरात के क्षेत्र में नहीं लिखा हुआ है बाबू, नेहा बाबू लिखा हुआ था, तुलसीदास की सारी रचना लिखा हुआ था। राजीव राज इंदौरी, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन पूछे, वैष्णव जन तो तेनी कहिए पीर पराई जानी रे। नरसिंह मेहता की रचना जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन हो गए, महात्मा गांधी का कृष्ण प्रिय भजन। राजस्थान के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को मीराबाई ने, कृष्ण भक्ति मीराबाई,
मीराबाई का जन्म मेरता जिला में राजस्थान के मेरता में कुदबी गांव में हुआ था। मीराबाई मेरता के राजा रत्न सिंह राठौर की अकलौती पुत्री थी और 19 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र राजा भोज से कर दिया, भोज राज से कर दिया गया। राजकुमारी थी। विवाह के कुछ ही दिन के पश्चात बेटवा की मृत्यु, पति के मृत्यु हो गई और पति के मृत्यु के बाद राणा सांगा, याद रखेंगे बाबर के समय में राणा सांगा के परिवार के सदस्य मीराबाई को हमेशा खरी कोटी सुनाते रहे। अपने परिवार से विरक्त होकर मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उपासना करने लगा। मीराबाई ने ब्रज भाषा में और अंशतः राजस्थानी भाषा में अपने गीतों की रचना किया। उनकी कुछ रचनाएं गुजराती भाषा में भी है, ब्रज भाषा में भी है और गुजराती भाषा में भी है। क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल के क्षेत्र में जयदेव जिन्होंने, याद रखेंगे जयदेव ने कृष्ण भक्ति के आंदोलन को प्रचार किया और गीत गोविंद की रचना किया। अब क्वेश्चन पूछेगा, असम के क्षेत्र में शंकर देव, बंगाल में जयदेव, गीत गोविंद यशो वर्मन के समकालीन थे। उत्तर प्रदेश में सूरदास, नंददास, कुंभन दास कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। अब देखो भाई, चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना किए, और देखिए संकीर्तन प्रणाली और हरिबोल प्रणाली प्रथा की शुरुआत किए। संकीर्तन प्रणाली, हरिबोल और कौन सा, जल्दी बोलो, गोसाई संघ की स्थापना किए। अब देखो बबुआ, यहां पर देखो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया वो अचिंत भेदाभाव सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था? अचिंत भेदाभाव का सिद्धांत था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, श्री हरि कीर्तन को किसने प्रारंभ किया? तो श्री हरि कीर्तन राजा भोज रही, बहुत अच्छा बात, भोजराज राजा भोज अलग है, भोजराज राणा संगा के बेटा थे। राजा भोज परमार वर्ष से संबंधित थे जिन्होंने धारा में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाए थे। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादू दयाल निपक संप्रदाय के संस्थापक और दादू दयाल के शिष्य कौन थे? सुंदरदास। दादू दयाल भी कृष्ण भक्ति, सुंदरदास भी कृष्ण भक्ति। महाराष्ट्र में जो भक्ति संत थे, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा था, नाम संत एक तुकाराम, सिक्वेंसली क्या कहेंगे, नाम संत एक तुकाराम सभी सिक्वेंसली है, नाम संत एक तुकाराम। हो गया लक्ष्मी बाबू, नाम संत एक तुकाराम या सीक्वेंस है, पहले नामदेव नानक पहला, यहां नामदेव। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचारक नामदेव, और नामदेव ने कहा कि भैया भक्ति का एक ऐसा माजरा है कि जब एक ही पत्थर में ईश्वर बसते हैं तो वह पत्थर यदि मंदिर में लगता है तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं, और वही पत्थर, पत्थर का नसीब देखो, वह पत्थर
मंदिर पर रखा जाता है तो पूजा किया जाता है, यदि सड़क पर रखा जाता है तो पैरों तले उसे रौंद दिया जाता है, सड़क पर रखा जाता है तो पैरों तले उसे रौंद दिया जाता है। किसी ने कहा भाई नामदेव, तो क्वेश्चन पूछेगा अनुपमा जी गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद का टीका मेरा भाई ने लिखा था, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछेगा एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे पैरों तले रौंद दिया जाता है, यदि एक में भगवान है तो दूसरा में भी भगवान होना चाहिए। किसने कहा? नामदेव। 1270 से 1350, दिमाग पर जोर देंगे, 1270 बलबन का शासनकाल था, 1350 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक रहे थे। बलबन के बाद कैकुबाद, क्यूमर्स, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, तब जाकर मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद संत ज्ञानेश्वर 1271 से 1296, छोटा काल का, 1271 में बलबन और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी, और फिर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल को नहीं देखे थे इन्होंने। नाम संत एक तुकाराम, वह बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मराठी भाषा में भगवद गीता का अनुवाद किया। एकनाथ 1533 से 1599 अकबर के समकालीन, और तुकाराम 1598 से 1605 यह महाराष्ट्र में थे, शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1680 में, तो शिवाजी के समकालीन तुकाराम। क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी के समकालीन तुकाराम इन्होंने बारकरी समर्थता की स्थापना किए, और तुकाराम का चेला था समर्थ गुरु रामदास, जो शिवाजी के गुरु रह चुके थे। शिवाजी के गुरु कौन? समर्थ गुरु रामदास। इन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। क्वेश्चन पूछेगा शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? भाई शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास, राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव हो गया, दादाजी कोंडदेव। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं भाई, जल्दी से रिवीजन कर लो बाबू। राम भक्ति में क्या बताए थे? सबसे बड़े प्रचारक तुलसीदास, जन्म हुआ था 1589, जन्म हुआ था 1589, कहा हुआ था? वाराणसी में सरयूपाई ब्राह्मण के घर में। बाबूजी का नाम आत्माराम दुबे, माता जी का नाम होलसी, पत्नी जी का नाम रत्नावली। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस, संदीपनी, वैराग्य, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, गीतावली की रचना की। एक और संत थे कौन? केशवदास। केशवदास ने रामचंद्रिका, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित था। कृष्ण भक्ति में पहला आचार्य वल्लभाचार्य, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया और पुष्टि एवं रुद्र संप्रदाय की स्थापना किए हुए। वाराणसी में उनका जन्म हुआ 1479 में। वे तेलुगु ब्राह्मण थे और घर में रहते हुए काम करना चाह रहे थे, भक्ति आंदोलन किए। वल्लभाचार्य एवं इसके पुत्र विष्णु स्वामी ने मिलकर 8 चेला को शिक्षा दिए, जिसे अष्ट छाप कहा गया, और इस अष्ट छाप में सबसे प्रमुख थे सूरदास, जो कृष्ण भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रचारक बने। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना किया। क्वेश्चन पूछेगा गुजरात के क्षेत्र में नरसिंह मेहता, नहीं ध्यान सुने, राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात में नरसिंह मेहता और राजस्थान में मीराबाई, गुजरात के क्षेत्र में नरसिंह मेहता, मीराबाई राजस्थान के क्षेत्र में, गीत गोविंद के रचनाकार, ध्यान सुनिए, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव बंगाल के क्षेत्र में, चैतन्य महाप्रभु बिहार बंगाल उड़ीसा में, कुंभनदास, नंददास, सूरदास उत्तर प्रदेश में,
लक्ष्मी बाबू किसको, सब कुछ तो लिखा हुआ बाबू, सब कुछ लिखा हुआ है। मीराबाई से पहले बताए थे गुजरात में वैष्णव जन तो तेरे कनिए, तेरे कहिए जी पीर पराई जानी रे, नरसिंह मेहता के द्वारा प्रमुख भजन लिखा गया जो महात्मा गांधी का भजन हो गया, बाद में महात्मा गांधी ने इस भजन को एडॉप्ट कर लिए। मीराबाई, रत्न सिंह राठौर, मेवाड़ के राजा रत्न सिंह राठौर की एकलौती पुत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा का बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई, भोजराज की मृत्यु हो गई। परिवार से तिरस्कार कर देने के कारण मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा करने लगे। मीराबाई ने गुजराती भाषा में और बंगाली भाषा में, ब्रज भाषा में कुछ गीतों की रचना किए। उनकी कुछ रचना गुजराती भाषा में भी है। बंगाल में जयदेव गीत गोविंद, असम में शंकर देव कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार किए, उत्तर में सूरदास नंददास कुमनदास चैतन्य महाप्रभु, बिहार बंगाल उड़ीसा इन्होंने गोसाई संघ श्री हरि कीर्तन संकीर्तन पर था और अचिंत भेदाभाव का सिद्धांत दिए। निपक्ष संप्रदाय दादू दयाल और सुंदर दास जो उत्तर प्रदेश के कृष्ण भक्त के संत थे, दादू दयाल के शिष्य थे। महाराष्ट्र में नाम संत एक तुकाराम, नाम संत एक तुकाराम, पहले नामदेव तब संत ज्ञानेश्वर तब एकनाथ तब तुकाराम और तब शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास हो गया। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर टीका लिखे। नामदेव ने कहा एक पत्थर को पूजा की जाती है, एक पत्थर सड़कों पर बिछाने से पैरों तले रौंद दी जाती है, यदि एक में भगवान है तो दूसरा में भी भगवान होना चाहिए। एक में भगवान है तो दूसरा में भी भगवान होना चाहिए। अमरजीत जी, हो रहा है आपका बिहार दुर्गा में एग्जाम 141 है, तब क्या होगा और चाहिए। बारकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास ने आध्यात्मिक गुरु दासबोध की पुस्तक। तो आज यहां तक आया, कल से हम लोग मुगल काल की चर्चा करेंगे। मुगल काल का पीडीएफ आज रात में आप लोग को मिल जाएगा, मुगल काल का पीडीएफ आप लोग को रात में मिल जाएगा। कुछ चैप्टर हो चुके थे, कुछ चैप्टर बाकी था, इसलिए मैंने रोक दिया। कल से मुगल काल की चर्चा करेंगे। मुगल काल में एक सप्ताह 10 दिन का टाइम लगेगा। मुगल काल के बाद उत्तर मुगल काल और फिर उसके बाद आधुनिक भारत में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो चल रहा है धीरे धीरे, चलने दीजिए आसान से। उम्मीद करते हैं बिहार दरोगा के पीटी से पहले आप लोग का बैच क्लियर कर लेंगे। कभी शनिवार रविवार को रख लिया जाएगा तो 3 घंटे का स्पेशल क्लास, तो बहुत ही मजा आएगा। हो गया, रजनीश प्रसाद गुप्ता, विक्रम जी, मुकेश कुमार चौधरी, वीरू जी, तो लगातार बने रहे। और आज टेस्ट का डिस्कशन YouTube चैनल पर भी शेयर किया जाएगा, टेस्ट भी होगा, जल्दी से दे दीजिए, YouTube चैनल पर डिस्कशन भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम भी हो चुका है, इसी के साथ आज की सेवा से लेते हैं विराम। मुगल मुगल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कल नागेंद्र बाबू, कल फिर मिलते हैं। अभी YouTube चैनल पर हम 8 बजे आने वाले हैं, टेस्ट डिस्कशन करते हुए फिर आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला, अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। चलिए 8 बजे से YouTube चैनल पे आने वाले हैं। धन्यवाद।